और आतंकी हमले के बाद पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया और सर्च ऑपरेशन में तेजी लाई गई। एक बार फिर से मिलिटेंट द्वारा सोपोर के इस इलाके में हमला किया गया और आईजीपी विजय कुमार ने यह स्पष्ट किया कि इस हमले के पीछे लश्कर का हाथ है। और फिलहाल आप देख सकते हैं हमले के बाद की यहां पर तस्वीरें, साफ तौर पर आप देख सकते हैं सुरक्षा बल तैनात हैं और इस पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने अपने कॉर्डर में लिया है। और जिस तरह लगातार इस ऑपरेशन ऑल आउट को लेकर सुरक्षा बल एक के बाद एक जो ऑपरेशन कर रहे हैं, उसके चलते नॉर्थ कश्मीर को कहीं ना कहीं मिलिटेंसी मुफ्त इलाका माना जाता था और फिलहाल उसी के चलते लश्कर की तरफ से इस तरह की गतिविधि की गई। ये पूरा जो इलाका है बिजिएस्ट इलाका माना जाता है, ये रहायशी इलाका भी है, यहाँ पर कमर्शियल हब भी इसको माना जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों के जरिए, अगर मुर्तजा थोड़ा जूम करके आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं हर 10 कदम पर यहाँ पर एक लैन है, यानी मिलिटेंट्स के लिए एक बहुत सूटेबल जगह थी ये हमला करने को। हालांकि इस पूरे इलाके में मामूल तौर पर भी सुरक्षा जो है वो कड़ी रहती है और उसी के चलते मिलिटेंट्स की तरफ से जो है यहाँ पर ये हमला अंजाम दिया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।